हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं नील आइलैंड के कोरल बीच पे। ये नेचुरल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। नहीं भैया, गाड़ी में आप बताओ, सबने बताओ मुझे पीछे। वो तो सही बात बोला, सबने बताया, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ सर, आप यहाँ पे नया लगा है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। और आपको सर खाली बिलीव करना है, हमें बिलीव, अगर बिलीव करता है तो ही गाइड लेके जाइए, अगर बिलीव नहीं है तो आप खुद से जा सकते हैं। खुद से जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे जाएंगे अगर आपको सही नहीं लगे तो एक पैसा भी आपके पास ले, उल्टा आपको पैसा दे दूंगा। नहीं भैया, देखो कुछ काम के लिए करूँगा तो पैसा तो मैं दूंगा ही। इसलिए मैं आपको इसलिए आप बात क्या है? आप चार्जेस इतना ज्यादा बता रहे हो। मैं आपको चार्जेस के इसलिए तो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे देखिए तीन लोकेशन है, ये साइड में एक लोकेशन है और ये साइड में दो लोकेशन है, ठीक है। आप पहले एक लोकेशन करके देखिए, आपको अगर सही में बर्थ नहीं है तो वहाँ से बोलिए गाइड को, गाइड सीधा आ जाएगा। गाइड से बात करने के बाद फाइनली मैंने 1000 रुपीज़ में गाइड फाइनल कर लिया। अब आप कहोगे कि 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे, पर जो उन्होंने हमें दिखाया उसके आगे 1000 रुपीज़ बहुत ही कम थे। तो अगर आप चाहते एक बार गाइड का भी एक्सपीरियंस ज़रूर करें। आप अकेले भी घूम सकते हैं, पर अकेले आप वो सब नहीं देख पाएंगे जो आपको एक गाइड दिखा देगा। तो चलिए देखते हैं गाइड हमें क्या क्या दिखाता है। यहाँ पर देखिए मैम, ये जो पेड़ आपको दिखा दे ना, ये है केवड़ा के पेड़, जिसके फूल से बंद आपका केवड़ा एसेंस के तो रे। यहाँ पर ये जो पेड़ आप दिखे ना, ये केवड़ा के पेड़, जिसके फूल से बंद आपका केवड़ा एसेंस, केवड़ा होटा, बहुत सारे खुशबूदार चीज है। इसका फॉरेस्ट नेम है पंडानास, साइंटिफिक नेम पंडानास टेक्टोरियस। पर ये जो आप दिख रहे हो ये जंगली केवड़ा है मैडम, इसका जो देशी केवड़ा होता है वो निकोबार ग्रुप आइलैंड में, एक अंडमान ग्रुप आइलैंड है, निकोबार ग्रुप आइलैंड में इसका जो देशी केवड़ा वो पाया जाता है। और उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उसका ट्रेडिशनल फ्रूट हुआ करते हैं, वहाँ पे निकोबारिस और सॉम्पेन रहते हैं, उनका ये ट्रेडिशनल फ्रूट हुआ करते हैं। हाँ, इसको नहीं कहते जंगली है मैडम, इसको नहीं कहते, देशी केवड़ा का फ्रूट को खाया जाता है। और एक बार मैडम लेफ्ट साइड घूम जाइए मैडम, देखिए दूर पे आइलैंड दिख रहा है धुंधला सा, यह है हैबलॉक आइलैंड। और यहाँ सामने से देख लीजिए, ये सामने देखिए पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये पूरा एरिया पोर्टब्लेयर का है। पोर्टब्लेयर है? हाँ, पोर्टब्लेयर है। और ऐसे करके मैडम टोटल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड में आपको 572 आइलैंड्स पाया जाता है, उसमें से केवल ओनली फॉर 38 आइलैंड में लोग रहते हैं, बाकी सारे आइलैंड जो है खाली है। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा सामने देखिए मड जैसा पूरा नजर आ रहा है, ये कहीं पे मड नहीं है, पूरा जो है डेड कोरल्स है। कोरल्स डेड होने का आपका मेन रीजन है सनलाइट, क्योंकि देखिए पानी जब हाइटाइड होते तो ऊपर तक पानी रहता है, जब पानी लो टाइड हो गया तो पानी क्या सूरज का रोशनी कोरल पे डायरेक्ट दिखते, जिसके चलते क्या होता है कोरल्स के कलर ब्लीच हो जाते हैं, कोरल्स डेड हो जाते हैं। चले हम लोग ये कोरल्स के ऊपर से ही चलेंगे। ऐसे एक चीज़ देखिए ध्यान रखिए मैम, इस तरह कोरल के टच नहीं करना, ठीक है? किस तरह? हाँ इस तरह, ये तो फिक्स है, इस तरह लूज कोरल रहेगा तो उसमें पैर नहीं रहेगा। अच्छा, देख क्या बहुत ही कमाल की जगह है, जिसे मैं पत्थर समझ रहा था इतनी देर से, वो पता चला कि वो डेड कोरल्स हैं और सनलाइट की वजह से सारे के सारे ऐसे डेड हो गए हैं। पर यहाँ से भी समुंदर बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेचुरल ब्रिज, जो कि थोड़ी सी ही आगे पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। किसे? डेड कोरल बताता हूँ, वो सारे डेड कोरल, ये पूरा पहाड़ जो है डेड कोरल है। स्टेप को मैं प्लेन साथ उसमें स्टेप करूँ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखिए ब्लैक दिख रहा है सर, ये एक सी एनिमल है, समुद्र में पाया जाने वाले जितना भी एनिमल्स है सबमें से लेजी एनिमल है, इसको कहते हैं कुकुम्बा, इसको कहते हैं प्रिंसी सी कुकुम्बा। ये की कोरल एरिया पर रहता है, इसका क्या नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, आपको आगे जाके दो कुकुमा दिखाऊंगा जिसका यूज होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फैल रहा है, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा तो एकदम बहुत सा। अच्छा,
कोराल बनता है ना सर, वो पूरे जो डस्ट है उसी का लेयर बनते 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 ऐसे कोराल बनते हैं। ये पूरा जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा एरिया कोराल का है। जैसे इस आइलैंड को आप देख रहे हो यहाँ पे खड़े होके, उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक कितना दूर आप देख पा रहे हो, पूरा एरिया कोराल का है। एक जो कोराल दिख रहा है उसको कहते हैं माउंटेन कोराल। तो यहाँ पर एक बार देखने के लिए देखिए लेयर बाय लेयर आपको दिख रहा है सर, ऐसे एक एक साल पे एक एक लेयर बनते बनते ऐसे कोराल के पार बनते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोरल को जिंदा रहने के लिए चाहिए 24 घंटे पानी, तो इसलिए कहा जाता है जो हमारा जो आइलैंड है एक अभी पानी के अंदर हुआ करता था, तब जब कोरल का पहाड़ बनना पॉसिबल हुआ था। जब भी कोरल का पहाड़ बना उस वक्त जो आर्च दिख रहा है इसमें देखिए छोटा सा पौधा आपको दिख रहा है, ये पौधे के राइट साइड में देखिए गैप दिख रहा है, ये पूरा राइट साइड का पूरा हिस्सा पूरा गैप है। और ये कहा जाता है कि जो समुद्र के लहरों के चलते नीचे का एक हिस्सा पूरा गैप बन गया था, और जो बड़े बड़े कोरल सबको टूटे दिख रहा है ये कोई 8 फीट के चलते टूट के नीचे गिर गया होगा, तब जाके बनाया आज। तो लोगों ने इसका पहले नाम रखा था हावड़ा ब्रिज, बाद में इसका नाम को चेंज करके नेचुरल ब्रिज रखा गया है। ये नेचुरल ब्रिज और इसकी कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है और देखने में भी बहुत सुंदर है। चलिए इसको और भी पास से देखते हैं और देखते हैं इसके आसपास और क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। एकदम नीचे एकदम छोटा सा एक है, एकदम नीचे वो नहीं सर, ये है ब्लू एंड व्हाइट, वो नहीं एकदम नीचे चले गया वो रहा ना, नहीं नहीं वो तो नियॉन टेटर उसके बच्चे हैं, नीचे है बटरफ्लाई वो जो नहीं गया। अच्छा वो देखिए दोबारा निकला, देखिए अब निकला, देखिए वो देखिए छोटे कोराल के बगल से जा रहा है, अंदर ही है ना वो, तो वो जा रहा है वो देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए निकले देखिए हाँ सर क्या है लाइनिंग वाला, हाँ लाइनिंग वाला बटरफ्लाई। ये भी गए डोरी फिश के बच्चे भी दिखे यहाँ पे, यहाँ 6 बच्चे हैं टोटल। और यहाँ पर और एक चीज़ देख लीजिए सर, एक क्रैप दिखेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पर नीचे भी देखिए छोटे छोटे क्रैप दिख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे क्रैप है, हाँ वो कॉर्नर पे देखिए वो देखिए क्रैप है पानी के अंदर। सोनिया ये तो तुम्हें दिखा ही नहीं, देखो केकड़ा नीचे रहा ना, ये जा रहा है, ये देखो जा रहा है, दिखा भी नहीं है, देखो ये गहरा है यहाँ पे पड़ा है, दिख रहा है पानी के अंदर, आइए यहाँ पर आ जाइए। कैसे छुपा हुआ है कोई कैसे वो कैसे छुपा दिख नहीं रहा मुझे, छोटा समुद्र ये छोटा तो पानी इकट्ठा हो गया था यहाँ पे, पूरे फिशेज वगैरह इकट्ठे हो गए। ऐसा तो रखना ऊपर यहाँ पर देखिए ये कोरल के अंदर भी देखिए क्रैप दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है बड़े वाले, ठीक है मैडम नहीं ये बड़े वाले दिख रहे हो, देखिए कोरल पे है इसको कहते हैं, ये जो क्रैप आप दिख रहे हो इसको कहते हैं स्पाइडर क्रैप, ये हमेशा कोरल पे रहता है, इसका मेन रीजन है फिश, फिश को देखने के लिए यहाँ पर आ गया। वो देखो वो देखो वो पता नीचे से स्पाइडर कितना जंप मारा उसने, उसने ऐसे यहाँ से ऐसे था, उसने ऐसे जंप मारा है। यहाँ पर आ जाइए आना सोने ऊपर से ध्यान रखते, आ जाइए आ जाइए वहाँ से इसमें आ जाइए, हाँ यहाँ पर आ जाइए, देखिए बिना पानी में फिश दिख रहा है सर, हाँ देखिए बिना पानी में फिश दिख रहे हैं, हाँ हाँ इसको कहते हैं फ्रॉग फिश, ये फिश को खाने के लिए क्रैब जो हमेशा कोरल पे ही रहते हैं, दिख रहे मैडम आ जाइए यहाँ पे आ जाइए, डर लगता है यहाँ से चलेंगे मैडम,
यहाँ पर देख लीजिए, ये जो एनिमल्स आप दिख रहे हैं, ये जो एनिमल्स आप दिख रहे हैं इसको कहते हैं रॉक लीच। ये जो कोरल पे इतना बड़े बड़े होल दिख रहे हैं सर, ये होल इन्होंने कोरल को खा के बना, ये केवल कोरल को खाता है। ऐसा देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा ऐसे करके कोरल को खाते हैं। हाँ, एक जगह से खा के दूसरे जगह जाते हैं, ऐसे करके बड़े बड़े होल बन जाते हैं। ये वाकई में ही बहुत शानदार जगह थी। यहाँ पे मुझे अलग अलग कलर के सी एनिमल्स, फिशेस और स्पाइडर क्रैब देखने के लिए मिले। तो और देखते हैं हम यहाँ पे हमें इस आइलैंड पे और इस बीच पे हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या मिलते हैं देखने के लिए। क्रैब तो बहुत खतरनाक छुपा हुआ था, देखिएगा हम नॉर्मल आके खाई से देखिए। अरे कुछ नहीं जा रही पानी में मछली। ये देखो इसके ऊपर जाइए आप, गर्म तो नहीं चाहिए मैडम, रुक जाइए, ये तो यहाँ पर पकड़ नहीं है। बड़ी खुशी यहाँ पर देखिए सर, वो सामने देखिए फूल जैसा कोरोला को दिख रहा है, कहते हैं सेंटर का पार्टी के डेढ़ हो चुका है, जो इतनी सारी फिशेस देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसी फिशेस शहर में देखना इम्पॉसिबल ही होता है। नेचर की खूबसूरती देखने के लिए तो हमें यहाँ पे आना ही पड़ता है। इसको कहते हैं बीटल स्टार फिश, ये हमेशा कोरल पे रहता है, कोरल पे जो एल्गी होते हैं उसको खा के जिंदा रहता है। ओए ये क्या है? ये 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 स्टार फिश है। अच्छा क्या हुआ? स्टार ऑक्टोपस होता है ये कड़ा। ये तो एक यहाँ पे एक और है सेकंड नेचुरल ब्लूज। यहाँ पे बहुत सारे कोरल आपको दिखेगा, सारे कोरल एक साथ में एक इंच बड़े होते हैं, पर ये जो कोरल दिख रहे हैं टाइगर कोरल, ये 7 ईयर्स में 1 इंच ग्रो करते हैं, जिसके चलते दूसरे कोरल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने से इस तरह कोरल से ही ऑर्नामेंट बनता है, दूसरे कोरल से ऑर्नामेंट नहीं बन पाता, क्योंकि जो कोरल सॉफ्ट होता है उसको कोई भी डिजाइन पे नहीं लगे आ सकता। ये टाइगर कोरल, ये हनीकम कोरल, ये टाइगर कोरल छेद है आपसे। ये वाला इसका नाम आता है और एक कुकुमर आपको दिखाया जाएगा सर, इसके साथ में जो एलिफेंट शी कुकुमर आप देख रहे हो, इसके साथ साथ और एक कुकुमर है जिसको कहते हैं स्टार शी कुकुमर, ये दोनों कुकुमर जो अंडमान से बहुत मात्रा में चोरी होते हैं। अच्छा ये अच्छा ये जो स्टोन्स है वगैरह इन सबको तो आप लेके नहीं जा सकते हैं? नहीं, किसी को नहीं लेते। यहाँ पर देखिए ये देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन सियाचिन है ये बहुत ही हाई प्रोटीन होता है, इसको खा जाता है, और वहाँ पर देखिए जो कोरल के होल्स पे देखिए आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये सर जो ब्लैक जो है ये सारे पॉइजनस है, अगर आपको मान लीजिए पैर में चुपकी गया ना तो भी पॉइजनस है, तो जान ले सकता है कि मतलब जान ले
ये सूरज में उसमें कार चले गया तो ब्लिंच हो गया, डेड हो गया। और यहाँ पर देखिए न्यू फॉर्म हो रहा है ब्रेन पूरा। एक बार मैम यहाँ पर आ जाइए एकदम सामने, उसके बाद में ले लीजिए मोबाइल राइट हैंड में। ये देखिए बीप वाला पूरा देख रहे हैं मैडम, उसको टच करके देखिए पूरा। सर आइए क्या वो जो है सुई मुई? नहीं 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 ये लोग टच करके देखिए, इसको कहते हैं स्पंज कोरल, एकदम पूरा स्पंज। ये अगर वेन के अंदर मिल गया तो आपको ऑपरेशन बिना ये नहीं निकलेगा बाहर। इसके अंदर अगर नस के अंदर घुस गया तो अच्छा। ये इसकी वो लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, नसों में घुसे गए थे नसों में पतला है सर। अब वो जो देखिए अच्छा ब्लैक एंड ब्लैक एंड दिख रहा है वो टूट जाता है। अच्छा वो नसों में घुसा है। नीचे का पार्ट लाइफ पार्ट में जो दिख रहा है कलरफुल, इसको कहते हैं टच वी नॉट। जैसे आप टच करोगे अंदर जाएगा, दोबारा दो या तीन सेकंड के अंदर दोबारा बाहर आना स्टार्ट होगा। टच करके देखिए तो धीरे से टच कीजिए। तो पहले टच करने से पहले चला गया, धीरे से ऐसे करके टच कीजिए। टच ही नहीं हुआ और फील कर लेता हूं। देखिए दोबारा बाहर आना स्टार्ट हो गया। देखिए इसको कहते हैं टच वी नॉट। इसका क्रिसमस प्लांट भी कहा जाता है, ये हमेशा कोरल पर रहता है। कोरल पर जो कैल्शियम होता है इसको खा के जिंदा रहता है। इसको अब 16 कलर पे आगे आपको दिखाया जाएगा। एवेशन चप्पल फेंक रखे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर ऐसी जगह जाते हैं तो ऐसे गंदगी ना फैलाएं, ऐसे कोई चीज़ वहाँ फेंक के ना चलें, ये पूरे नेचर को हार्म करती है। कैमरा उसमें पकड़ लीजिए। मैडम फिश फीडिंग पॉइंट जा रहा है, नहीं डर है आराम से। आप स्टेप नीचे भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ये जो दिख रहा है सर, ये जो आप दिख रहे हैं इसको कहते हैं वाइट स्टार शेप। इसके अंदर मोती बनते हैं, पर मोती बनने के लिए इनको चाहिए सर गहरा पानी। यहाँ पे 30 से 40 फुट गहरा पानी और पानी एकदम शांत हो तभी उसके अंदर मोती बनना पॉसिबल होता है। इसको जैसे आप इसके पास जाओगे देखिए क्लोज हो जाता है। अच्छा नॉर्मल स्टेप की जो जंप नॉर्मल स्टेप। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसकी बाकी की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में अभी बहुत कुछ है देखने के लिए। आपको मैं विष्णु शंख भी दिखाऊंगा और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे बीच पे देखने के लिए हमें मिली। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।